हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज आपके लिए कुछ हटके बहुत ही अलग सा वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक लोकल मार्केट का, नॉट कि मैं किसी किचन प्रोडक्ट का आज रिव्यू देने वाली हूँ इस वीडियो में। सोचा कुछ अलग सा हटके लेकर आते हैं चैनल को। थोड़ा सा मुझे लगा था सेम से हटके कुछ चलो न्यू सा करते हैं, तो मैंने सोचा एक लोकल मार्केट आप लोग को डिस्कवर कराती हूँ। तो यहाँ मैं एंटर हो चुकी इस मार्केट में। यहाँ आप फुटवेयर का देख सकते हो 150 में दो पेयर, और ऐसे ही आगे कहाँ चलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें 150 में दो, 150 में दो, 70-60 रुपीस ईच यहाँ मिलता है। और आप लोगों को पता है मैं किस सिटी में रहती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, मुझे पता चलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे बारे में कितना जानते हैं। तो सबसे पहले ये शॉप दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो में रेट वगैरह पूछना। तो इन भैया पे दुपट्टे हैं, दुपट्टे की ऑल वेराइटी है यहाँ पर। और ये दुपट्टा यहाँ पर कॉटन है के दुपट्टे हैं 150 के दो, ठीक है, कॉटन के, सिल्क के। और हैवी दुपट्टे लोगे तो उनके रेट अलग है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ 150 के दो हैं। जैसे कि ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये वाले भी इस तरह के। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं हर एक चीज़, हर एक शॉप की नहीं इसमें एक्सप्लोर कर पाऊँगी या पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताऊँगी। और इसके बाद फिर हमने एक कैप की शॉप देखी थी। यहाँ वुलन कैप है बच्चों से लेके बड़ों तक के सभी के, और 150 के दो। और इन कैप्स की क्वालिटी यार, सीरियसली, मैं जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छी थी। नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं उसी टाइप की क्वालिटी के कैप थे। इसके बाद एक मैं ये शॉप पे गई, तो यहाँ पे सब कुछ एसेसरीज़ वगैरह की शॉप थी। ये रिंग, क्लचर, बैंगल्स, क्लिप्स और इस टाइप के आइटम इन भैया के पास थे। बट मैं कुछ कवर करती उससे पहले ही इन्होंने मेरा वीडियो ऑफ़ करा दिया कि इनको अच्छा नहीं लगा कि आप प्लीज़ मत बनाइए, तो मैंने फिर वो क्लोज़ कर दिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो यहाँ बच्चों के, बड़ों के काफ़ी कपड़ों से रिलेटेड आप चीज़ें देख सकते हो वीडियो में। और ये थोड़ी लो क्वालिटी की थी तो मैं इसको नहीं कवर कर रही हूँ। जो अच्छी चीज़ें मैं वही कवर करूँगी। और आप लोगों को और भी ऐसे वीडियो बाद में देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। उसके बाद हम नेक्स्ट गए, ये शॉप है, ये 10 रुपये ईच, हर प्रोडक्ट 10 रुपीज़ ईच था यार यहाँ पे। और इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के सामान थे, और अच्छी अच्छी किचन चीज़ें थी, किचन की चीज़ें थी छोटी छोटी, जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होती हैं। तो 10 रुपये हर सामान के बहुत ही बेस्ट था। उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़े, तो एक भैया थे, ये भी एसेसरीज़ वगैरह सेल कर रहे थे। तो इनकी शॉप पे भी 10 रुपये और 20 रुपीज़, मतलब 10 और 20 वाले आइटम थे, जैसे कि 10-10 के की रिंग, हेयर बैंड, ये रबर बैंड, क्लिप्स वगैरह और क्लचर वगैरह। उसके बाद ये एक हेयर बैंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये 30 रुपीज़ का था। ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था, 30 रुपीज़ फिर भी महंगा नहीं है। स्माइले वाली बॉक्स वो भी 20 रुपीज़ के थे। फिर उसके बाद हम आगे गए, तो यहाँ पे हमें मिलती है एक फैब्रिक की शॉप। ये सिर्फ मटेरियल, अनस्टिच मटेरियल, यहाँ पे आप इसको परचेज़ करके अपने अकॉर्डिंग और कुछ भी डिज़ाइन करा सकते हो, बुटीक वगैरह पे स्टिच करा सकते हो, आपको सूट, साड़ी, कुर्तीज़, जो भी आपको जैसा डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद हमें एक शॉप मिलती है, ये भैया हैं, ये वूलन बेडशीट हैं, ये दो बेडशीट एक साथ हैं, तो ये पूरा 450 का बता रहे थे। अगर आप एक लेना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, और ये थोड़ा बहुत लेस भी कर देते, बट मैंने लिया नहीं था, मैं सिर्फ जस्ट वीडियो कवर कर रही थी। क्योंकि वुलन बेडशीट मैंने अभी जस्ट यहाँ ही पहली बार देखी है इस टाइप की, मतलब ब्लैंकेट्स और टच में थोड़ा, तो यार काफ़ी सही थी मतलब। उसके बाद फिर हम यहाँ पे गए, तो एक लेस शॉप है यहाँ पे, आपको यार 2 रुपये से लेके हर तरह की रेंज में आपको लेस मिल जाएगी। आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ लटकन थे, हैंगिंग्स थी, और टेसल्स वगैरह थे, सब कुछ था। उसके बाद यहाँ गए तो एक शॉप है, ये पर्स वाले भैया हैं, इनकी शॉप पर ये स्लिंग हैंडबैग इस टाइप के पर्स हैं, और ये 150 के दो थे। बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, पर ठीक है, जस्ट वीडियो कवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि मार्केट में जब निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नहीं भी लेना हो बट अच्छा लगता है देखने में। फिर उसके बाद ये एक इम्पोर्टेड फैब्रिक की मुझे शॉप मिली, एक आंटी ये सेल कर रही थी, और इन पर यार इतनी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक थे, जो नॉर्मल मार्केट में आप परचेज़ करते हो किसी भी फैब्रिक वाली शॉप से। तो ये जो फैब्रिक ना इम्पोर्टेड फैब्रिक है, बस ये है कि यहाँ पर इस तरह से ये कंडीशन में रहते हैं तो रेट कम होता है, यही अगर आप मार्केट से लोगे तो आपको हाई रेट में मिलेगा। तो आंटी के पास हाथ में देखिए कितने अच्छे अच्छे फैब्रिक हैं, ये फैब्रिक मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। तो ये यार जस्ट 140 रुपये, 140 रुपीज़ मीटर ईच था। उसके बाद एक और वूलन बेडशीट है, ये मैंने थोड़ा अच्छे से कवर करी, पहली वाली नहीं कवर कर पाई थी इसलिए, तो ये आंटी भी सेम रेट में दे रही थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बस ऐसी वीडियो कवर कर रही हूँ। ये नेट वाले फैब्रिक हैं, एक भैया सेल कर रहे थे ज़मीन पर बैठ के, ये तो इनके पास कुछ और नहीं था, सिर्फ इस टाइप के फैब्रिक ही हैं।
क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या वीडियो में दिखाऊं और क्या नहीं दिखाऊं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पार्ट आज दिखाते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। एक्चुअली फैब्रिक मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ का, और किसी चीज़ में नहीं बोलूँगी, लेकिन फैब्रिक आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये फैब्रिक मेरे हाथ में, ये डिज़ाइनर फैब्रिक है, आप देख सकते हो वीडियो में भी कितना सुंदर लग रहा है, और रियल में तो उससे ज़्यादा सुंदर ये लग रहा था। और ये बहुत ज़्यादा हैवी मतलब रेंज में भी नहीं था। आप कुछ अच्छा डिज़ाइनर बनवाओगे आपको बहुत अफोर्डेबल पड़ेगा। इसके आगे मैं एक और शॉप पे यहाँ पे गई हूँ, तो ये भी सब कुछ डिज़ाइनर फैब्रिक है, आप देख सकते हो। एक ये वाला फैब्रिक मैंने देखा और भैया ने बताया कि एक थोड़ा इसी का हैवी क्वालिटी है, जैसे कि आप ये वाला पीच वाला देखो, इसके नीचे वाला थोड़ा लो क्वालिटी का था, और ये जो भैया के हाथ में अभी ये हैवी क्वालिटी का, मतलब लग रहा था यार वाकई में डिज़ाइनर फैब्रिक। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ग्रीन कलर, और जो मेरे हाथ में, ये दो कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे कुछ बनवाना नहीं है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर परचेज़ करती। उसके बाद ये कतरन मार्केट है, मतलब यहाँ क्या होता है ना कि फैब्रिक जो मिलता है वो मीटर से नहीं मिलता, क्योंकि टुकड़े बचे हुए पीसेस कंपनी से ये लोग ले आते हैं उठा के, तो वो सेल आउट करते हैं। यहाँ ना पीसेस में होता है, मतलब आपके मतलब का अगर कोई टुकड़ा आपको मिल जाता है तो आप तुलवा सकते हो 100 ग्राम 200 ग्राम इस टाइप की, मतलब इस टाइप के वे में वो सेल करते हैं। तो यहाँ ना आप छांट सकते हो, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस मार्केट में काफ़ी अपने अकॉर्डिंग कपड़ा छांटने में। ये लेसिस हैं तो ये 2 रुपये मीटर 5 रुपये मीटर जो बचे पीसीज होते हैं वो सेल करते हैं, तो बहुत अच्छी मतलब रेंज में मिल जाता है। तो यहाँ पे ना इस मार्केट में अच्छे अच्छे बुटीक्स वाले भी यार आते हैं, और वो परचेज़ करके और अपने स्टूडियो में अपने बुटीक में उसको ना अच्छा डिज़ाइनर बना के बहुत अच्छी रेंज में सेल करते हैं। यहाँ की लोकल मार्केट की मैं बता रही हूँ, ये सभी के सिटी में होता होगा आई थिंक। उसके बाद हमने ये किए ज्वेलरी वाले भैया देखे, ये 150 के 2 दे रहे थे। ये सेट मेरे हाथ में जो है 75 रुपीज़ का ओनली, तो कितना प्यारा सुंदर था। मैं ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती। उसके बाद लास्ट में आपको वीडियो में आज कवर कर रही हूँ, ये है वूलन कोट की एक शॉप। ये भैया सारे वूलन कोट दे रहे थे, ये 200 रुपीज़ ईच बस, ये बस आपको छाँटना पड़ेगा अच्छा सा कुछ। तो बस गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।